हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले आज के वीडियो में हम बीकॉम थर्ड सेमेस्टर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का एलेवेंथ चैप्टर मोबाइल बैंकिंग करने वाले हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले मोबाइल बैंकिंग हम सबको बताए तो मोबाइल बैंकिंग एक सर्विसेज होती है जो प्रोवाइड करता है बैंक या फिर कोई भी बा, बाकी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अलाउ करते हैं कस्टमर्स को कि वो कंडक्ट करे हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एक डिवाइस के थ्रू जिसे हम मोबाइल बोलते हैं स्मार्टफोन भी हो सकता है और टैबलेट भी हो सकता है तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है यूजुअली बैंक्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द पर्पस कुछ बैंक्स ऐसे भी होते हैं जो अपने एम्प्लॉइज़ को टैबलेट्स देते हैं और मोबाइल्स देते हैं ताकि वो ये सारे सिस्टम्स को रिकॉर्ड कर सके बट अगर आप एक कस्टमर हो तो आपको एक मोबाइल या फिर टैबलेट बैंक नहीं देता बट उसके अंदर अपनी सर्विसेज वो ज़रूर आपको देते हैं तो मोबाइल बैंकिंग ऑल्सो नोन एज एम बैंकिंग ये एक टर्म होती है जो यूज़ करती है यूज़ किया जाता है फॉर परफॉर्मिंग बैंक के बैंक के जितने भी बैलेंसेज आप उन्हें चेक कर सकते हो चेक्स को अकाउंट के जो भी ट्रांजेक्शनज़ है पेमेंट्स है क्रेडिट एप्लीकेशनज हैं या फिर हमारे बाकी के बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स थ्रू हमारा मोबाइल डिवाइस जिसको हम मोबाइल फ़ोन बोलते हैं तो ये जो है वो एक इनोवेटिव सोल्यूशन है फॉर मॉडर्न इन और हमारे जितने भी आज के टाइम के लोग हैं उनके लिए इससे कुछ लोगों के बहुत बेनिफिट्स भी हैं और बहुत लॉसेस भी तो हम उसको देखते हैं पहले पहले हम देखते हैं कि क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बैंक अकाउंट तो मिनी स्टेटमेंट एंड चेकिंग ऑफ अकाउंट हिस्ट्री अलर्ट्स ऑन अकाउंट एक्टिविटी मॉनिटरिंग ऑफ टर्म डिपॉजिट्स एक्सेस टू लोन स्टेटमेंट एक्सेस टू कार्ड स्टेटमेंट म्यूचुअल फंड्स या फिर इक्विटी स्टेटमेंट Insurance plan management, pension plan management, status on check, stop payment on check, ordering checkbooks, balance checking in the account, recent transactions, due date of payment, PIN provision, your fit change of PIN and reminder over internet, docking of lost and stolen ATM cards, information relating to payments, deposits, withdrawals, and transfers, so domestic and international fund transfer. Micropayment Handling, Mobile Key Charging, Commercial Payment Processing, Bill Payment Processing, Peer-to-Peer -peer Payment, Withdrawal at Banking Agent, Deposit at Banking Agent Next, Information relating to Investment, Portfolio Management Services, Real-time Stock Quotes, Personalized Alerts and Notifications on Security Prices, Information relating to Support, Status of Request for Credit, including Mortgage Approval and Insurance Coverage, चेक ऑफ चेक बुक्स एंड कार्ड रिक्वेस्ट एक्सचेंज ऑफ डेट मैसेजेस एंड ईमेल एटीएम ए के लोकेशन कंटेंट सर्विसेज जो हमारा लास्ट सर्विस है जनरल इंफॉर्मेशन जैसे कि न्यूज़ और वेदर अपडेट्स लुक लॉयलिटी रिलेटेड ऑफर्स लोकेशन बेस्ड सर्विसेज तो एडवांटेजेस देखते हैं सबसे पहले एम पेमेंट जैसे हमारे मोबाइल पेमेंट मनी ट्रांसफ़र करना थ्रू मोबाइल या फिर मोबाइल वॉलेट के थ्रू फ़ंड ट्रांसफ़र सर्विस ये हेल्प करता है ट्रांसफ़र करना फंड्स को इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू मोबाइल्स एंड मोस्टली चैनलाइज टू एन ई बैलेंस इंक्वायरी अकाउंट होल्डर कैन गेट द क्लियर बैलेंस ऑन अकाउंट इन मोबाइल्स जैसे थ्रू हमारा मोबाइल बैंकिंग मिनी स्टेटमेंट जिसके अंदर हमारे लास्ट ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंट अपटेन कर सकते हैं बाय द कस्टमर्स अपने मोबाइल फ़ोन पर ही लोन इंक्वायरी तो कस्टमर इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन ले सकता है अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स अवेलेबल विद बैंक लास्ट है हमारा ओपनिंग डिजिटल अकाउंट तो कस्टमर ओपन कर सकते हैं अपना एक डिजिटल अकाउंट विद द असिस्टेंस ऑफ मोबाइल तो जो हमारे डिजिटल प्रोसेस है वो के वाई सी की डॉक्यूमेंट सिग्नेचर वो आप कर सकते हैं थ्रू वीडियो कॉलिंग विद योर बैंक तो इसके अंदर आपकी कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती ना ही कोई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फॉर ओपनिंग डिजिटल अकाउंट ये पॉइंट आप सब में लिख सकते हो तो मोबाइल बैंकिंग के ऐप्स क्या हैं तो कौन से होते हैं ये ये कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो डिज़ाइन किया जाता है ऑपरेट करने के लिए हमारे बैंकिंग एक्टिविटीज़ को ऑन ए स्मार्टफॉम कस्टमर्स यूज करते हैं मोबाइल बैंकिंग सीरीज़ बाई डाउनलोडिंग इन ऐप्स को बैंक अट्रैक्ट करते हैं न्यू कस्टमर्स को रिटेन करते हैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बाई ऑफरिंग दैन मोबाइल बैंकिंग ऐप्स तो डिफरेंट मोबाइल बैंकिंग ऐप्स कैसे हैं एस बी आई स्टेट बैंक एनी वेयर एच डी एफ सी बैंक मोबाइल बैंकिंग आई मोबाइल आई सी आई सी आई मोबाइल बैंकिंग बी ओ आई बी टी एम बैंक ऑफ इंडियन मोबाइल बैंकिंग अलाहाबाद बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप कैन मोबाइल कैनरा बैंक ये जो कैनरा बैंक है इसका कैन मोबाइल ऐप है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का एम कनेक्ट है एम बैंकिंग पीएनबी तो मतलब सब जितने भी बैंक्स हैं उनके एप्स दिए हुए हैं एस का स्टेट बैंक एनी हमने पीछे देखा तो इसके अंदर कुछ को डिफ़ाइन किया उन्होंने जैसे भीम मोबाइल ऐप ये फॉर ऑल है तो भारत इंटरफेस फॉर मनी ये एक मोबाइल ऐप है जो डेवलप हुआ है बाय नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया ये ऐप है जो बेस्ड है ऑन यूपीआई तो इस ऐप में क्या होता है यह अलाउ करता है इंस्टेंटली ट्रांसफ़र करना पैसों को बिटवीन बैंक अकाउंट्स ऑफ द टू पार्टीज़ तो क्या क्या एडवेंटेज़ है सेंड करना या फिर रिसीव करना पैसों को मकैनिज़म ये सिर्फ एक मकैनिज़म है जो ट्रांसफ़र करता है पैसों को बिटवीन डिफरेंट बैंक अकाउंट्स इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पेटीएम एयरटेल मनी एंड एम जिसके अंदर होल्डर होता है मतलब पे में आपको पहले पैसे ट्रांसफ़र करने होता है फिर आप आगे ट्रांसफ़र कर सकते हो पर इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है ट्रांजेक्शन टाइम तो ट्रांजेक्शन भीम पे इज नियरली कुछ भी हो सकता है आप वीकेंड्स पर बैंक हॉलीडेज़ पर जब मर्जी करवा सकते हो चेकिंग ऑफ बैलेंस इन अकाउंट आप बैलेंस चेक कर सकते हो बैंक का क्यू कोड ये यूज़र्स को हेल्प करते हैं खुद का क्यू कोड जनरेट करने में फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी कि मतलब अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की कोई एक शॉपकीपर है जिसका रोज़ कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का सामान बिक रहा है तो ये कुछ पर्टिकुलर अमाउंट के क्यू डी कोड बना देते हैं कि अगर आपने फिफ्टी देने हैं या फिफ्टी लेने हैं फिफ्टी रुपीज़ तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं पेमेंट आई डी तो भीम ऐप विल नॉट एक्वायर कोई भी बायोमेट्रिक उसमें ज़रूरत नहीं होती बैंक के साथ यू पी आई की अगर आपका ट्वेल्व डिजिट आधार कार्ड नंबर लिस्टेड है एज अ पेमेंट आई डी लैंग्वेज तो ये करेंटली थर्टीन लैंग्वेज़ यूज़ कर रहा है इंक्लूडिंग इंग्लिश ट्रांजेक्शन फीस और उसके लिमिट्स कोई भी चार्ज नहीं है ट्रांजैक्शंस पर वन लाख वन रुपी से लेके वन लाख तक मिनिमम ट्रांजेक्शन वन रुपीज से कम नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम ट्रांजेक्शन एक दिन में ट्वेंटी ही होनी चाहिए करेंटली जो हमारा फ़ंड ट्रांसफ़र है इस सेट टू बी मैक्सिमम ट्वेंटी थाउजेंड मतलब आप एक टाइम पे ट्वेंटी थाउजेंड पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एंड मैक्सिमम ऑफ फोर्टी थाउजेंड इन अ डे तो चैलेंजेस क्या हैं मोबाइल बैंकिंग के मोबाइल बैंकिंग सोल्यूशन तो सबसे पहला हैंडसेट अवेलेबिलिटी तो एक बड़ा चैलेंज हो जाता है बैंक्स के लिए प्रोवाइड करना इसे तो इसका सोल्यूशन होता है कि हम बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर्स को या फिर मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस को ले तो कुछ मोबाइल फ़ोन डिवाइस सपोर्ट करते हैं जैसे जावा एम ई और एस आई एम एप्लीकेशन टूल गेट तो ये एक चैलेंज होता है फॉर इंटे ऑपरेटिलिटी बिटवीन बैंकिंग एप्लीकेशंस सेकेंड इज सिक्योरिटी सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस जो रिक्वायर करते हैं कि हैंडल किया जाए उन्हें जॉइंटली बाई मोबाइल एप्लीकेशन डिवेलपर्स या फिर मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज थर्ड इज कैट स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ये भी एक चैलेंज होता है बैंक्स के लिए कि वो स्केल अप करे बैंकिंग सेक्टर को क्योंकि उसको ज़रूरी होता है वो है हैंडल करना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉर इट्स कस्टमर बेस नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल बैंकिंग तो एक वर्चुअल बैंक क्या होगा इसको डायरेक्ट बैंक भी बोल सकते हैं ब्रांचलेस बैंक भी बोल सकते हैं या फिर एक इंटरनेट ओनली बैंक ये एक बैंक होता है जो ऑफर करते सर्विसेज को रिमोटली थ्रू इन ऑनलाइन बैंकिंग या फिर टेलीफोन बैंकिंग बिना किसी ब्रांच नेटवर्क के ये प्रोवाइड करते हैं एक्सेस या ए मेल या फिर मोबाइल तो वर्चुअल बैंक रिड्यूस कर देते हैं सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ ब्रांच नेटवर्क तो डेफिनेशन वही लिख सकते हो आप जो हमने मीनिंग में देखा वैसे आप देख भी सकते हो इसको डिफाइन किया गया है एज डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसाइड कन्वेंशनल बैंक ब्रांचेस Often using agents and relying on information and communication technologies to transmit transactions, retails, typically card, your P U C related point of sale, terminals, your mobile phones. Features use of technology ki payment cards or mobile phones to identify customers and record transactions electronically. Use of outlets, outlets is a post office, small retailers. जो एक्ट करते हैं एज एजेंट्स फॉर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स जो इनेबल करते हैं कस्टमर्स को परफॉर्म करने में फंक्शंस जो फिज़िकल प्रेफरेंस इन्वॉल्व करते हैं जैसे कैश हैंडलिंग ऑफर फॉर सर्विसेज ऑफर फॉर एटलीस्ट बेसिक कैश डिपॉजिट्स या फिर विड्रॉल इन एडिशन ट्रांजेक्शन या फिर पेमेंट सर्विसेज फोर्थ है गवर्नमेंट रिकगनाइज बैंकिंग ऑफ गवर्नमेंट रिकगनाइज डिपॉज़िट करते हैं टिंग इंस्टीट्यूशन सच फॉर्मली लाइसेंस बैंक फेसिलेट करते हैं कस्टमर्स को रिडक्शन एंड कॉस्ट कॉम्पोनेट्स क्या हैं वर्चुअल बैंकिंग के सबसे पहला बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स तो ये डिस्पर्स कर देते हैं स्मॉल वैल्यू क्रेडिट को रिकवर करते हैं प्रिंसिपल और उसके इंटरेस्ट को करेक्ट स्मॉल डिपॉजिट्स को रिसीव करते हैं हमारे स्मॉल वैल्यू रेमिटेंस को और सेल करते हैं माइक्रो इंश्योरेंस पेंशन और बाकी के प्रोडक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ बैंक फॉर अ कमीशन पॉइंट ऑफ सेल पी ओ एस तो बैंक के एजेंट्स प्रोसेस करते हैं ट्रांजेक्शन को बिना किसी पॉइंट ऑफ सेल के सचैस बायोमेट्रिक या फिर स्मार्ट स्मार्ट कार्ड रीडर्स बार कोड स्कैनर्स या फिर हमारे पर्सनल कम्प्यूटर्स जो कनेक्टेड होते हैं विद बैंक ओवर यूजिंग डायलैप या फिर अदर डाटा कनेक्शन ड्राइवर्स क्या है वर्चुअल बैंकिंग के सबसे पहला रिटेल नेटवर्क जो जिसके अंदर सारे कलेक्शन ऑफ रिटेल आउटलेट्स दिए जाती है जो भी ट्रांजेक्शन हमारे ऑरिजिनेटेड है पेमेंट नेटवर्क जो एग्रीगेट होता है ऑफ द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ रिटेल आउटलेट्स एंड द रूट्स देम टू अप्रोप्रिएट इश अकाउंट प्लेटफॉर्म जो मैनेज करते सर्विसेज को लॉजिक बाय ऑथराइजिंग इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स और उनको मेंटेन करने में द वैल्यू ऑफ़ अकाउंट्स एडवेंटेज इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क इकोनॉमी इन कैश रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन ऑन डिपॉजिट्स एंड एसेट्स, चीप रेमिटेंस फैसिलिटीज यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट, प्रॉपर यूज ऑफ कैपिटल बेटर बैंकिंग फैसिलिटीज टू कस्टमर्स बैंकिंग फैसिलिटीज़ होते हैं इन अनबैंक एंड बैकवर्ड एरियाज एफिशंट कंट्रोल ओवर बैंकिंग ऑपरेशन नेक्स्ट है हमारा होम बैंकिंग होम बैंकिंग रेफर करता है हमारे उन बैंकिंग सर्विसज़ को जो अलाउ करते हैं कस्टमर्स को परफॉर्म करने में बैकिंग ऑपरेशन फ्राम होम या फिर बाई ऑफिस बाई इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन तो ये एक प्रैक्टिस है कन्डक्टिंग बैंकिंग ट्रांसैक्शन फ्राम होम रदर दैन ऐट होम ब्रांचेस ये जनरली रेफर करते हैं बाई बंग ओवर टेलीफोन या फिर ओवर इंटरनेट तभी इसको हम ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं तो ये होम बैंकिंग इज़ नियरली सीनेमस ये उसका दूसरा वर्ड ही है ऑनलाइन बैंकिंग का तो फीचर्स क्या है टू यूज़ इन बैंक टू ट्रांसफर बैंक ट्रांसफर टू चेक द अकाउंट ट्रांजेक्शन अकाउंट हिस्ट्री टू पे बिल्स विदाउट राइटिंग चेक ट्रांसफ़र करना मनी को फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर साइन अप फॉर पेपरलेस स्टेटमेंट सेट करना अकाउंट अलर्ट्स एंड रिमाइंडर्स व्यू करना इमेज को ऑफ प्रोसेस चेक लिमिटेशन क्या है न्यू सिक्योरिटी थ्रेट है जो अराइज हुआ है विद इंक्रीज शिफ्ट टू होम बैंकिंग जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन है सच एस कस्टमर अकाउंट इंफॉर्मेशन बैलेंसेस, जितने भी हमारे रिसेंट ट्रांजेक्शन है एंड मोर विच इज़ ऑन अ कंप्यूटर अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ऑन द क्लाउड इट इज़ वनडरेबल टू हैकर लास्ट है इसके अंदर पेमेंट पे पेटीएम पे एक इंडियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप ये टेन एलेवन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये प्रोवाइड करता है ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज कस्टमर्स को जैसे मोबाइल की रिचार्ज करना ट्रैवल करना मूवीज़ इवेंट के बुकिंग्स को इसके अंदर ओवर सेवन बिलियन मर्चेंट्स अक्रॉस इंडिया यूज़ करते हैं क्यू कोड्स टू एक्सेप्ट पेमेंट्स डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट तो हिस्ट्री पढ़ सकते हो ये अगस्त 2010 में फाउंड हुआ था इन नोएडा इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं वैसे आप पेटीएम की मीनिंग इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख सकते हैं गूगल पे तो ये भी एक मोबाइल पेमेंट है सर्विस बाय गूगल टारगेटेड एट यूजर्स इन इंडिया ये रीब्रांड किया गया था टू गूगल पे ये ऑपरेट करता है यूनिफाइड पेमेंट्स को सर्विसेज क्या है इसके करेंटली एक्सेप्ट करते हैं बाय पीवीआर सिनेमा रेड बर्स एंड मनी मोर एप्स टेक्नोलॉजी तो ये एप्लीकेशन जो है वो कोई भी इसके अंदर यूज़ नहीं होती यूज़र्स की टू शेयर दर् पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे हमारे मोबाइल नंबर या फिर जो भी हमारे बाकी के दूसरे ऐप्स हमारे से डिटेल्स मांगते हैं फ़ोन पे भी एक इंडियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और हमारा डिजिटल वॉलेट कंपनी होती कंपनी है जिसके हेडकोटर्स बैंगलोर में है तो इसके बारे में भी आप रीड कर सकते हैं तो इस चैप्टर में से भी आपको कोई भी एक आ सकता है फोर फाइव मार्क्स ज़रूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा बट आपको वो मोबाइल बैंकिंग भी पूछ सकते हैं या फिर बुक टू बुक वेरी करते हैं क्या पता किसी दूसरे बुक में किसी दूसरे ऐप्स के बारे में आपको ज़्यादा बताया हो तो जैसे कोई भी कुछ भी आ सकता है इसके अंदर आप क्या कर सकते हो सब में जो फ़ीचर्स हैं वो सेम हो सकते हैं एडवांटेजेस सेम हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस सेम होते हैं मोस्टली होते हैं फॉर्शर sure नहीं होते बट सेवेंटी एटी परसेंट सेम ही रहते हैं तो इसमें इतना ही था